तो कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा मैं कैसर भाई इस हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब आउट ऑफ द सिस्टम एक सवाल पूछ रहा हूँ, और वो ये है कि क्या हम जानते हैं कि हमारा निज़ाम क्या है? हम 120 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं इतना बड़ी तादाद में होने की वजह से, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमारे जो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या इस तरह के मैंडेटरी डिपार्टमेंट है, हम एक चीज़ तय कर लें, अपने लेवल पर तय कर लें कि यार ये कुछ दो तीन ऑफेंसेज हैं, इस पर ना हम किसी का फ़ोन कबूल करेंगे ना किसी की सिफारिश कबूल करेंगे, यानी मैं रास्ते में जाता हुआ अगर मुझे ट्रैफिक हवलदार रोक ले पकड़ ले, मैं कैसर खालिद साहब का नाम लेके बच ना जाऊँ, तो ये तय बात है आपके सेक्शनों के, कोई मेरा नाम ले मेरे से फोन उसको बोलना, फ़ोन पर बात कराओ और उसे डबल पेनल्टी लेना है। कोई दानिश जावेद नाम का आदमी तुम्हें रोड पर अगर मेरी धमकी दे, मेरे नाम की धमकी दे, तो तुम्हारे सबसे बड़े अफसर को मैं जानता हूँ, मैं फ़ोन पर बात करूँगा तो वो डर जाएगा, तय बात है, और मुझे जाने देगा, छोड़ देगा। लेकिन आप लोग आपस में मिलकर कुछ ऐसा तय कर लेंगे, नहीं यार ये जो जान से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है अगर कहीं रॉन्ग पार्किंग है तो जाने देना यार, ठीक है सिग्नल तोड़ा तो नहीं जाना, डबल तुम कैसर खाली साहब जाते हो तुम्हें डबल फाइन देना पड़ेगा, रॉन्ग पार्किंग भी खुद एक बार रॉन्ग पार्किंग हो सकता है जी। मैं जो पिछली रहमान भाई और जैद भाई की बात थी, जस्ट एक उसमें ऐड करके आपके सवाल पे आता हूँ कि सारा का सारा मामला हकूकुल इबाद का है, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट में या इंग्लिश कंसेप्ट में कहते हैं राइट्स और ड्यूटीज। कोई राइट्स ड्यूटी के बिना क्रिएट नहीं होता है, और आप किसी भी राइट को तब तक इंजॉय नहीं कर सकते जब तक उससे रिलेटेड जो आपकी ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म नहीं करें। यही कंसेप्ट हकूकुल इबाद का है कि भाई दूसरों के हकूक आप पे क्या हैं, तो हमको ये बात समझना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो ये होता है कि इन्फोर्समेंट आउटसाइड से नहीं हो सकता है, इन्फोर्समेंट विद इन से होता है। जब तक हम अपने दिल के अंदर से, अपने जहन और अपने ज़मीर से ये बात को नहीं लाएँ कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, तब तक जो है सही मानों में फिर हम खोजते रहेंगे कि ट्रैफिक का कोई आदमी है, कोई पुलिस का आदमी है, कोई वार्डन खड़ा है तो हम रुकेंगे, नहीं तो फिर भाई हम भाग जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रोड सेफ्टी को और दूसरे कई तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस शहर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले सालों में हमने जो एवरेज रोड फैटेलिटीज़ होती थी वो अंदाज़न 550 हुआ करती थी मुंबई में, उसको 92 से पिछले साल कम करने में हम लोग कामयाब हुए। अच्छा, इसमें कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, जहाँ बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे हमने जाके पूरे जगह का सर्वे किया और हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हम वो कौन सी चीज़ें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि ये कम हो जाएं। जैसे कुछ जगहों पे रोड मार्किंग नहीं थी, वहाँ मार्किंग हम लोगों ने लगाई, कुछ जगहों पे स्पीड का इशू था, वहाँ हमने रैम्बलर लगा दिया कि एकदम से रुक भी नहीं जाएं, आपकी स्पीड कम हो जाए, आवाज़ आपको आ जाए। कुछ जगह पे ब्लिंकर लगा दिया कि आप जा रहे हैं तो आपको लगे कहाँ जी ब्लिंकर है, मतलब आगे कुछ है। कुछ जगहों पे जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हमने बढ़ा दिया कि अचानक से ऐसे ना हो, धीरे धीरे करके दोनों आ जाओ। कुछ जगहों पे सिग्नल की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोगों ने सिग्नल लगाया, कहीं पे पुलिस डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है जिसको विजिबल पुलिसिंग कहते हैं वहाँ हम लोगों ने किया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल 92 मौत हम कम कर पाए मुंबई शहर के अंदर। तो मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है इसका हम इस ढंग से रोक सकते हैं जिसको कहते हैं या तो मैकेनिकल इंप्रूवमेंट लाएं, रोड कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाएं, या वहाँ के सिग्नलिंग विजिबिलिटी उन सब चीज़ों में हम इंप्रूवमेंट लाएं, तो हम उसको कर सकते हैं। जहाँ तक ये मामला है कि लोग जो पकड़े जाते हैं, अब हम हर साल अंदाजन 15 लाख से ज़्यादा केसेस करते हैं और करीब 16 करोड़ से ज़्यादा फाइन सिर्फ इस शहर में होता है, जबकि अभी पुराना लॉ चल रहा है, अभी नया लॉ पार्लियामेंट में लाया गया है, मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक वो लॉ नोटिफाई हो जाएगा जिसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने कह के रखा है कि अगर कोई हमारा नाम ले तो सबसे पहले उसको ये करना कि उसको गाड़ी से उतार के कहना कि साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि एक साहब फिल्म बनाते थे, वो हमारे पहचान में थे, एक बार उन्होंने सिग्नल जंप किया तो हमारा जो कांस्टेबल था उन्होंने उसको बाजू में लिया, तो उन्होंने तड़ाक से मुझे फ़ोन लगाया, तो मैंने कहा कि साहब को जरा बुला के समझाना कि साहब आप जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो आदमी जो रिक्शा चला रहा है वो क्या करेगा, और वो शर्मसार हुए उस पर। तो कोई भी शख्स जो इस किस्म की चीज़ें करता है हम पहले ये कहते हैं कि भाई चलान हो गया ना, अभी फ़ाइन को भरो, और तुम जैसा आदमी अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ही हैज़ सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ यही जवाब दिया कि इन साहब ने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है, अगर अल्लाह ने आपको ये सदात दी है तो आपने तो लॉ को फॉलो करने में सबसे आगे होना चाहिए ताकि वो मिसाल भी आप सेट कर सके। जख्मी होने वाले या जख्मी किए जाने वाले शख्स की जगह अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी औलादों को या अपने रिश्तेदारों को रखकर अगर आप सोचेंगे तो आप यकीनन ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे और ट्रैफिक हवलदार्स की भी मानेंगे और उन तमाम कवानीन को मानेंगे जो इन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं।